नवल ऋतु नवल निमंत्रण आज तुम्हें मैं देता हूँ, नई फसल का तोहफा लेकर शरद ऋतु में लाया हूँ, शरद ऋतु में आया हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप फसल काटकर अवश्य ही गेहूं की फसल की तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन इसी तैयारी के बीच आइए जानते हैं पन्नगर परिक्रमा के इस अंक में कि क्या कुछ है खास अक्टूबर के इस महीने में। तो आइए डालते हैं नजर मुख्य सुर्खियों पर। किसान मेला संपन्न, गांधी जयंती उत्सव, राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह का आयोजन। अक्टूबर माह में विश्वविद्यालय परिसर के गांधी मैदान में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की 148वें जन्मदिन को मनाया गया। उनकी प्रतिमा पर कुल सचिव सहित सभी अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। दूसरी तरफ रतन सिंह सभागार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के जन्मोत्सव का कलेवर लिए हुए था। इस उपलक्ष पर बच्चों ने रामधुन गाया। कार्यक्रम में अधिष्ठाता कृषि ने कहा, यू ब्रिंग द चेंज विद इन योरसेल्फ, अपने आप को बदलिए, देखने का नजरिया बदलिए, फिर उसके बाद पूरे जहां को देखिए, हर चीज ठीक लगेगी। अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने बताया, एक मुट्ठी अनाज अगर अलग रख दिया जाए, एक मुट्ठी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह संग्रह होता है, अगले दिन काम आता है। तो अन्न की कमी, इस अन्न के जो कमी की जो समस्या थी उससे निपटने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुल सचिव ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, अनेक मिनिस्ट्रीज में वो रहे, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपना योगदान दिया, देश की हरित क्रांति में उन्होंने अपना योगदान दिया। बच्चों को पुरस्कृत कर कार्यक्रम किया गया संपन्न। माह के प्रथम सप्ताह में प्रौद्योगिक महाविद्यालय में स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा वित्त पोषित एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के उपलक्ष पर हुआ। इंजीनियर आशुतोष झा ने बताया, रिसेंटली वी हैड एन साइक्लोन एंड एट दैट टाइम वी आर हैविंग जीरो कैजुअल्टीज ड्यू टू साइक्लोन, सो दोज आर द एक्चुअली इज बीइंग पॉसिबल विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन इनटू स्पेस। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि अधिष्ठाता प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ने उत्साहवर्धन करते हुए कहा, न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। थैंक यू। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े कृषि कुंभ का आयोजन पंतनगर विश्वविद्यालय में हुआ। अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के 102वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस किसान मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉलों का भ्रमण कर ली समस्त कृषि उद्योगों एवं व्यवस्था की जानकारी। आगंतुकों को संबोधित करते हुए कहा, 276 प्रजातियां विकसित करना कोई सामान्य चीज नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि पंतनगर विश्वविद्यालय एक बार फिर अपने पुराने रूप में आएगा।
हम खाली हमने पेपर लिख दिया, हमने अखबार में दे दिया, एड दे दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। काम तब चलेगा जब हम किसान से हमारा डायरेक्ट टच हो, सीधा संबंध हो। सीधा संबंध होगा तो किसान अपनी दिक्कतें बताए। मेला उद्घाटन के अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर ए के मिश्र ने बताया, विश्वविद्यालय प्रयासरत है और आपके मार्गदर्शन में मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि दिए गए समय में हर इस उपलब्धि को पूरा करने में सफल होंगे। मेले में किसानों ने जमकर खरीदारी की। इस मेले में 45 लाख से भी अधिक के बीजों को क्रय कर कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं दूसरी ओर लगभग 500 स्टॉलों ने मेला प्रांगण की शोभा बढ़ाई। मेला समापन के अवसर पर निदेशक प्रसार ने बताया, पहले दिन इतने किसान आए हैं कि रात को हमें 3,500 किसानों के रात को रुकने का अरेंजमेंट करना पड़ा। अगर आंकड़ा देखा जाए तो वो लाखों में संख्या जा रही है। और यहाँ पे केवल उत्तराखंड ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी, अन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लगभग सभी राज्यों से यहाँ से किसान आए हैं। कृषि मंत्री उत्तराखंड ने समापन के अवसर पर बताया, कृषि विभाग, हमारा जड़ी बूटी वाला विभाग, ये सब बैठ करके एक संयुक्त कार्य योजना बनाए जिसमें पशुपालन और रेशम, इन दोनों विभागों के डायरेक्टर्स को भी रख के किस तरह हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के मॉडल पर काम करके इस राज्य में कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं। कुलपति ने कृषि यूनियन की रखी पेशकश, दिस टाइनी कंट्री फीड्स द वर्ल्ड, टाइनी कंट्री हॉलैंड, जिसका शायद साइज जो है उत्तराखंड से भी कम है, वो तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जो उन्होंने निश्चय किया था 2000 में, उन्होंने उसको पा लिया है। जो टेक्नोलॉजी है आज की, पूरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने अप्लाई किया है। प्रबंध परिषद के सदस्यों ने भी रखे अपने विचार, जो 67-68 में जो हमारे चैलेंजेस थे, जो हमारे उद्देश्य थे, वो बिल्कुल वर्तमान चैलेंजेस से अलग। जबकि हम उन्नत प्रजातियों को, उन्नत तकनीकियों को कृषक के खेत तक आपके माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान विभाग के माध्यम से पहुँचा दें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है, यही हमारी खुशी होगी। स्थानीय विधायक ने चर्चा करते हुए कहा, इस बात पर फोकस किया है कि हम 2022 तक अपने किसानों की आमदनी दुगनी करें। ये चैलेंज है हम सब लोगों के लिए, विशेष रूप से पन्नर के लिए, क्योंकि जब भी कृषि की बात होती है तो पूरे देश के लोग पंतनगर की ओर देखते हैं। कुलपति जी, यहाँ ऐसा भी है कि संवर्गीय व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो 32 साल से एक ही पोस्ट पर चले आ रहे हैं काम, तो राज्य सरकारी कर्मचारियों से जैसा है यहाँ पर व्यवस्था ऐसी बने कि दो काम आप कर दें, TDC को दे दें पंतनगर विश्वविद्यालय, और पंतनगर को दे दें केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये दो काम आप कर दें तो मैं समझता हूँ कि खेती की दिशा में बहुत बड़ा काम होगा। इसी समारोह में कृषकों के लिए ज्ञान पोर्टल एवं एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। विभिन्न वर्गों में आगंतुक किसानों, उद्यमियों और विभिन्न प्रदर्शनियों के विजेताओं को भी किया गया सम्मानित। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार के साथ शिक्षण तकनीकों के नवीन आयामों को भी देश को समर्पित करता आ रहा है। इसी कड़ी में अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक और अधिकारी उपस्थित थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के दिन रन फॉर यूनिवर्सिटी के तहत एक दौड़ का आयोजन स्टीवेंशन स्टेडियम में हुआ। कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को प्रारंभ किया।
यह दौड़ स्टीवेंशन स्टेडियम से होकर गांधी मैदान तक चली। इस अवसर पर कुलपति समेत उपस्थित रहे अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र। दो तीन डिसीजंस बहुत ही अच्छे थे, उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि 500 से ज्यादा जो सियासत थी उस वक्त, उन सबको इन्होंने मिला के एक देश बनाया था। इस माह सभी व्यवस्थाओं के मध्य आंचल कला केंद्र हल्द्वानी द्वारा किसान मेले के मध्य एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। किसान मेले में किसानों ने अपनी थकान कवि सम्मेलन के माध्यम से मिटाई। रहे हम सब आपस में जो ऐसे लोगों को अब जगाना चाहता हूं मैं, और देश में पाना पे रही आतंकवादी बेल जो उसे ढूंढ के उसे मिटाना चाहता हूं। वाह भाई, वाह जोरदार भाई। संकट के बादल छाए हैं, संकट के बादल छाए हैं, इन्हें छाटने की खातिर चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाने निकली। जोश की जो आग भर दे वो कहानी चाहिए, हर दिलों में देशभक्ति की रवानी चाहिए, और गोलियां सीने पर झेले हंसकर फंदा चूम ले चंद्रशेखर और भगत सिंह से जवानी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत। हर जगह खिल खिला जोश में लग रहा आज सारा। वहीं मेले के तीसरे दिन विश्वविद्यालय स्थित सृजन सांस्कृतिक समिति ने भी अपनी प्रस्तुति से आगंतुकों का मन मोह लिया। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। एक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में नव आगंतुक छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में आरुण्य सूर्य की पहली किरण निकल रही है रात के उजालों में। इसी आयोजन में गीत संगीत के साथ नाट्य मंचन भी प्रस्तुत किया गया। दर्शकों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे विश्वविद्यालय की गाय संपदा से, जो पुरस्कृत है भारत की सबसे बड़े गाय के हर्ट के रूप में। किसान भाई अगर एक अच्छा डेयरी खोलना चाहते हैं तो उसके डेयरी पालन के चार आयाम होते हैं, प्रजनन, पोषण, प्रबंधन। ये तीन आयाम महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा जब कभी बीमारियां आती हैं तो उनसे रख रखाव उनका। तो प्रजनन के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो देसी नस्ल की गाय हैं, जिसमें साहिवाल जो नस्ल है, जो हिंदुस्तान की जो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, उसको अगर खोल के वो डेयरी चलाएंगे तो उससे उनका फ़ायदा काफ़ी होगा। और प्योर साहिवाल नस्ल की गाय जहाँ पे भी उपलब्ध हों, जैसे खासतौर से राजस्थान के एरिया में हमारे पास प्योर नस्ल की साहिवाल गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से किसान भाई उनको परचेज कर सकते हैं और उससे एक डेयरी पालन का काम अपना अच्छा शुरू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम साहिवाल के एक हर्ड के पास यहाँ पे खड़े हैं, और इस बार किसान मेले में काफ़ी संख्या में हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमसे प्राप्त की।
खासतौर से किसानों के लिए कल जो हमने एक नीलामी का प्रोग्राम रखा था जिसमें बच्चे की नीलामी हमने की थी और किसान भाइयों को हमने प्रेग्नेंट बच्चियाँ उपलब्ध कराई थी। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वास्क की सुविधा रख रखी है, मिनरल मिक्सर के बारे में बताया जा रहा है, पोषण संबंधी जानकारियाँ दी जा रही हैं, बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही हैं, किसान भाइयों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करके यहाँ से भेजा जा रहा है। जो भी किसान भाई आए हैं उनको नई तकनीकी की जानकारियाँ दी जा रही हैं और हमें लगता है कि ये किसान मेला हमारा काफ़ी सफल किसान मेला रहा है। जहाँ तक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का सवाल है, हमारी यूनिवर्सिटी समय समय पर डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के माध्यम से एक्सटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम करती रहती है। इसके लिए किसान बंधु डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं और उस आवेदन पत्र जब उनके पास सफिशेंट मात्रा में आवेदन पत्र उपलब्ध हो जाते हैं तो वो उस विषय की ट्रेनिंग अलग से आयोजित कर देते हैं। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन वहाँ पर दे सकते हैं और जब भी एक समूह हमें मिलता है तो उसकी ट्रेनिंग हम उसी विधा पे, जिस विधा पे आप चलते हैं, डेयरी की विधा पे चलते हैं, आप फल की विधा पे चाहते हैं, आप सब्जी की विधा पे चाहते हैं, तो जिस विधा पे भी आप वो ट्रेनिंग चाहते हैं उस विधा की ट्रेनिंग हम वहाँ पे उपलब्ध करवा देते हैं। तो दर्शकों, आज का अंक आपको अवश्य ही ज्ञानवर्धक लगा होगा, तो हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।